Hello everyone, a very 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 warm good evening to all of you and a very 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 warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार. इसी के साथ मैं नीतुरा का आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी. सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आप सभी का? क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा आप सभी अचीव करने वाले हैं. चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा. फौजी शेर आ चुके हैं, फौजी शेर सिंह राणा जी, क्या बात है, बहुत सही, वेरी गुड इवनिंग. अल्ताफ जी चलेगा, बिल जी आ चुके हैं, हेलो बिल जी, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है, चलेगा भाई. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार. फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं. जल्दी जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए, हाउ आर यू ऑल गाइज. चलो भाई जल्दी से कॉमेंट करिएगा, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी का. और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन की अगर बात की जाए तो आज के सेशन की करेंगे शुरुआत बड़ा ही धमाकेदार तरीके से, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आज के टॉप क्वेश्चंस की. अगर हम बात करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस इस सीरीज के हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं. 50 क्वेश्चंस हमने कल के सेशन में डिस्कस किए थे और 50 क्वेश्चंस जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो जल्दी जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा हाउ आर यू ऑल गाइस, चलेगा ठीक है भाई. चलिए तो साइंस के कुछ और 50 क्वेश्चंस को हम लोग बड़े मजेदार तरीके से शुरुआत करेंगे. और इससे पहले, सेशन की शुरुआत करने से पहले, कुछ कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के लिए. अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइएगा अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लीजिएगा. आप कहोगे कि मैम ज्वाइन तो कर लेंगे, बट ज्वाइन करना क्यों है? क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलती है फ्री वीकली टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस का. तो इतना सब कुछ अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, टेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, बिल्कुल एक कस्टमाइज्ड वे में आपको लेकर के चला जाएगा कि किस तरीके से आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल टारगेटेड एग्जाम को अगर लेकर के हम लोग बात करें तो फिर इतना सब कुछ अगर एक जगह मिला है तो फिर किस बात की देरी है, चलेगा. सो जल्दी से इसी के साथ शुरुआत करेंगे सेशन की. एंड हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी बच्चे अनअकैडमी प्लस पर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान. 24 मंथ की बात करें, 12 मंथ की बात करें, 6 मंथ की बात करें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है. आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जा सकते हैं. तो अगर 24 मंथ की बात करते हैं, आपका 7800 का है, जिसमें आप अगर एनडी लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10% का इंस्टेंट रिडक्शन मिलता है. तो ये मात्र 325 रुपए से भी कम में आपको पड़ेगा. वहीं अगर हम 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 6500 रुपए, जो कम से कम आपको 542 रुपए से भी कम पर मंथ की अगर हम बात करते हैं आपको पड़ता है. और उसमें भी आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर 10% इंस्टेंट रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं आपको रिडक्शन मिलता है, ठीक है भाई, चलेगा. सो ये थी कुछ बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था. इसके अलावा चलिएगा भाई, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप लोग फटाफट से जाइएगा और मुझे जाकर के अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए. और फॉलो क्यों करना है? फॉलो करना है क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलते हैं डेली स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, प्लस कोर्सेज मिलते हैं, बेनिफिट्स की हम लोगों ने अभी बात की है. चलिए भाई, अब बात करेंगे सेशन की और शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार से सेशन की, जिसमें सबसे पहले 50 क्वेश्चंस हम लोग कल के सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज शुरुआत करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की. सो यानी कि 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51 एंड द फर्स्ट 51 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. चलिए भाई, चलिए भाई, आज के सेशन का जो क्वेश्चन नंबर 51 है दैट इज ऑन योर स्क्रीन. कहाँ है सभी के सभी बच्चे? जल्दी से वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सभी के सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइएगा. जल्दी से सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट से, ठीक है भाई. स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज, अगर हम फलों के अध्ययन की बात करें तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए, कुणाल कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग दी के साथ जाते हुए. अनुराग कुमार हेलो, चलेगा सी के साथ जाते. देखो, फ्रूट्स का अध्ययन, फलों का अध्ययन दैट इज कॉल्ड एज द पोमोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. देखो, पेडोलॉजी होता है आपका पढ़ाने का तरीका, शिक्षण शास्त्र जिसको कहा जाता है कि किस तरीके से आप किसी को पढ़ा पा रहे हैं या फिर अपनी बातों को समझा पा रहे हैं.
ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है? अगर हम एंथोलॉजी की बात करते हैं, चलिए भाई एंथोलॉजी में क्या होगा, यानी कि आप किसी चीज का संग्रह कर रहे हैं सिंपली, यानी कि जैसे पद्यांश होते हैं, गद्यांश होते हैं, आप किसी चीज को संग्रहित रूप में ला करके सामने पेश कर रही है। स्पर्मोलॉजी क्या होता है? शुक्राणु विज्ञान की अगर हम बात करें, जिसके अंदर आप स्पर्म की स्टडी कर रही हो, सो व्हाट विल बी राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा पोमोलॉजी, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों का अध्ययन अगर आप करें दैट इज कॉल्ड एज द पोमो लोची। चलिए, वेरी गुड इवनिंग कुणाल कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बढ़े आगे, इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 52 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के स्क्रीन पर, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। अगर हम स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? ये ट्राइकोमोनस के द्वारा, ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया या फिर प्लास्मोडियम की अगर हम बात करते हैं। चलेगा, जल्दी से बताइएगा व्हाट विल बी योर राइट आंसर, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए अनिरुद्ध जनाब, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बच्चों को पढ़ने दो, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ने दो, है ना, एक्स्ट्रा कॉमेंट्री। चलो भाई आ जाइएगा, स्लीपिंग सिकनेस की अगर हम बात करते, दैट इज कॉज्ड बाय द ट्राइकोमोनस, ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया या फिर प्लास्मोडियम, सो दैट इज स्प्रेड बाय द ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा जो है यही क्या करता है, यही स्लीपिंग सिकनेस बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जैसे बीमारी को हमारे शरीर के अंतर्गत घर करता है, यानी कि ट्रिप्नोसोमा क्या है, इसका होता है भाई पैथोजन, इट इज अ पैथोजन, यानी कि ये क्या है, ये है इसका कारक कि किस कारण से ये बीमारी जो है हमारे शरीर के अंतर्गत घर करती है। ये तो पैथोजन की बात हो गई, अब स्लीपिंग सिकनेस का अगर आपसे वेक्टर पूछ लिया जाए, अगर आपसे वाहक पूछ लिया जाए, तो भाई वाहक कौन होता है, वाहक आपको बताना है। देखो अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है, चलिए मैम किस क्लास ले है, मैम लवकुश जी ये जो क्लास है, क्लास आपकी 6 बजे से शुरू हुई है, अभी क्लास आपकी शुरू हुई है, ठीक है भाई, और ये जो क्लास है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी आपकी, स्पेशली जितने एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाओ क्लास में फटाफट से, ठीक है। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि भाई अगर आपको रातों को नींद नहीं आती तो जरूरी नहीं कि आप किसी के प्यार में है, अगर आपको रातों को नींद नहीं आती तो आप स्लीपिंग सिकनेस के भी शिकार हो सकते हैं, जो कि किसके द्वारा फैलाई जाती है, जो कि सीसी फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। किसके द्वारा भाई? सीसी फ्लाई जो है इस बीमारी को फैलाने का काम करती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ, हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी आइसोटॉप्स? चलिए बताइएगा संजय एडी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी आइसोटॉप्स? कितने आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के? 3, 2 की, ओनली वन या फिर नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी योर राइट आंसर? वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। चलिए आपको पता है एक होता है H11, एक होता है आपका H12 और एक होता है आपका H13, तो देयर आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, योर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। H11 को क्या कहा जाता है? H11 को आपका कहा जाता है प्रोटियम, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटियम, और H12 को जाना जाता है आपका ड्यूटेरियम के नाम से, और वही अगर हम बात करते हैं जो H13 है, इट इज नॉन एज द ट्राइटियम, इसको आपका ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। सो ये क्या है? दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें से भी जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ये है आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दीज आर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे हैं? ये आपके रेडियोधर्मी आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप्स ही हैं। और वही अगर हम प्रोटियम की बात करते हैं, प्रोटियम क्या है, अगर प्रोटियम की बात की जाए, वॉट इज प्रोटियम? सो आपको पता है नॉर्मल वॉटर जिससे बनता है, तो प्रोटियम क्या है, सिंपल सी हाइड्रोजन होती है। स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग सरकार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑन योर स्क्रीन। द साउथर्न ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, आपको बताना है कि जो साउथर्न ब्लॉट टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज कहां पर किया जाता है। कितने क्वेश्चन होंगे? अनुराग कुमार रॉय जी 100 क्वेश्चंस तक हम लोग जाएंगे, कंप्लीट 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में लास्ट 50 थे,
फर्स्ट 50, आज हम लोग सेकेंड 50 करेंगे, चलेगा, और कल हम लोग थर्ड 50 करेंगे, इसी का तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है भाई, चलिए। सो द साउदर्न ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, अगर हम साउदर्न ब्लॉट टेक्निक की बात करते हैं, चलेगा। हाँ जी महक, बिल्कुल, ये जो SSC GD स्पेशल है, ये जो क्लास है GD के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, पूछे जा चुके हैं, और प्लस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दोनों को मेंशन किया गया है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, द साउदर्न ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ RRNA, जो RRNA होता है, RRNA के पता लगाने के लिए साउदर्न ब्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम RNA की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंतर्गत बेसिकली कितने प्रकार के RNA होते हैं, तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। RRNA जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल RNA, इस RNA को कहा जाता है आपका राइबोसोमल RNA। वही आता है आपका mRNA जिसको कहा जाता है मैसेंजर RNA, दिस इज कॉल्ड एज द मैसेंजर RNA, जिस तरीके से FB मैसेंजर होता है ना, टेलीग्राम मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर मैसेज पहुंचाने का काम करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्या करता है, ये भी जो है मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है। और जो tRNA होता है, tRNA का काम क्या होता है, ट्रांसफर RNA, इज इट ओके, दैट इज द ट्रांसफर RNA, और ट्रांसफर RNA का काम क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान करना। सो यहाँ पर साउदर्न ब्लॉट टेक्निक के द्वारा किसका, आपका RRNA का पता लगाया जाता है, ठीक है भाई, चलेगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। वॉट इज DDT, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम DDT की बात करते हैं, एक्चुअल में DDT होता क्या है, वॉट इज DDT, ये आपको बताना है। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, एक ग्रीन हाउस गैस होती है, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, या फिर नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, या फिर नन ऑफ दिस, वॉट विल बी योर राइट आंसर, आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम DDT की बात करते हैं, तो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है भाई, चलिए। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT, कौन बताएगा, और होता क्या है DDT, ये भी आपको बताना है, चलिए। आपको पता है सबसे पहले DDT जो है, इट इज अ इंसेक्टिसाइड, ये क्या होता है, ये ना एक इंसेक्टिसाइड होता है, जिसको एज अ कीटनाशक, जिसको इंसेक्टिसाइड के तौर पे, यानी कि कीटनाशक के तौर पे इसको आपका यूज में लिया जाता है, ठीक है भाई। अब ये जो DDT है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो DDT की जो फुल फॉर्म है, दैट इज डाइफिनाइल, अगर हम बात करते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, यानी कि सिंपली डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, दिस इज द नेम ऑफ द DDT, ये पूरा का पूरा नाम है किसका, आपका DDT की, ठीक है। किसने बनाया था, आपको पता है ये किसने बनाया था, बनाया आपसे कभी ना पूछा जाए, बट आपको ये पूछा जा सकता है कि DDT की यूज को 1972 में, 1972 में अमेरिका ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, US ने इसको कम्प्लीटली बेन कर दिया था, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस DDT को एज अ इंसेक्टिसाइड बिल्कुल बेन कर दिया था, क्यों किया था, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल केमिकल, बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, हम फसलों पे छिड़काव करते हैं, तो फसलों पे छिड़काव करते हैं तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, यानी कि एक प्रदूषक है, और जो कि खत्म नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है DDT, US ने इसको बेन कर दिया था, ठीक है भाई, चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द पॉल्यूटेंट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम व्हीकल्स व्हिच कॉजेस द मेंटल डिजीज इज, चलिए भाई, मैम यूपी पुलिस की क्लास करा दो, यूपी पुलिस की क्लास करा दे, महक करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, डोंट वरी, बिल्कुल करा देंगे, अभी SSC GD का चल रहा है, SSC GD के बाद यूपी का भी करा देंगे, चलेगा। पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हीकल्स विच कॉजेस द मेंटल डिजीज, आपको बताना है ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है व्हीकल, जो कि व्हीकल्स के अंतर्गत से रिलीज होता है, और ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिजीज ये पैदा कर सकता है, एक ऐसे पॉल्यूटेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। NO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, PB होता है, या फिर मर्क्यूरी होता है, चलो भाई बताइएगा कौन सा आपका होगा, वॉट विल बी राइट आंसर, सो दैट विल बी द PB।
आपको पता है जैसे व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए पेट्रोल, और पेट्रोल के अंदर ना पहले लेड का इस्तेमाल किया जाता था, टेट्रा इथाइल लेड। और ये जो टेट्रा इथाइल लेड होती थी, ये एक पॉल्यूटेंट का काम करता था, जो कि सीधा सीधा किस पे, ये सीधा सीधा हमारे ब्रेन पर अटैक करता है। यानी कि किस पे, जो पीबी है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हमारी ब्रेन पर इफेक्ट करता है, और ब्रेन के भी किस पार्ट में, सेरिब्रम वाला जो पार्ट है, सेरिब्रम वाले पार्ट पर ये इफेक्ट करता है, जिस कारण से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, सर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ। न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मैमल्स के अंदर, या फिर ऑल फ्रॉम द लाइफ, सभी के सभी के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, किस किस के अंदर देखने को आपको न्यूक्लिक एसिड मिलता है, वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मैमल्स के अंदर, या फिर ऑल फ्रॉम द लाइफ, सभी के सभी जीवों के अंदर ये देखने को मिलता है। महक एस के स्टूडेंट कुणाल कुमार, जल्दी से आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 57। चलिए भाई, बाकी बच्चे कहाँ है, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो भाई, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि चीजें जो है थोड़ी सी और आसान लगे और मजा आए पढ़ने में। चलिए भाई फटाफट से आ जाइए। न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन, आपको पता है जितने भी जीव हमारे आसपास पाए जाते, ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के सभी रूपों की अगर हम बात करते हैं, तो जीवन के सभी रूप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जितने भी जीव हमारे आसपास मौजूद है, वायरस की बात करें, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस बैक्टीरिया के अलावा, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, अगर हम आपके प्लांट्स की बात करें, तो इन सभी के अंतर्गत क्या है, आपको पता है सभी के अंतर्गत आपको न्यूक्लिक एसिड जो है देखने को मिलता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये किस रूप में मिलता है, ये हमें या तो डीएनए के रूप में मिलता है, या फिर किस रूप में मिलता है, हमें आरएनए के रूप में मिलता है। तो जितने भी जीव हैं, सभी के सभी जीवों के अंतर्गत डीएनए और आरएनए आपको देखने को मिलेगा, और यही डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि भाई जीवन के जितने भी रूप है, सभी रूपों के अंतर्गत आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विद द डिफेक्ट इन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये कलर ब्लाइंडनेस जैसा रोग हमारे शरीर के किस अंग में दोष हो सकता है, हमारे शरीर का कौन से अंग में दोष हो सकता है, जिसके कारण से कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हमारे शरीर के अंतर्गत घर करती है, रॉड सेल्स, कॉर्न सेल्स, आई मसल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलेगा डीएनए में, अरे क्या बात है, कहां पर, चलिए बताइएगा। तो आपको पता है अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, स्पेशली ये कौन सेल की अगर बात की जाती है, देखो अगर हम अपने मनुष्य, अगर हम आंखों की बात करते हैं, तो बेसिकली आंखों के अंदर ना दो प्रकार के सेल्स होती है, एक होती है कौन सेल और दूसरी होती है आपकी रोड सेल्स। जो रोड सेल्स होती है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट कलर, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट कलर। और वही अगर हम कौन सेल्स की बात करते हैं, कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, जितने भी आप कलर देख पाते हैं, जितने भी आप रंग देख पाते हैं, हरा, नीला, पीला, काला, गुलाबी, सभी के सभी कलर में अगर आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सेल के कारण। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन में आपकी कौन सेल डैमेज हो चुकी होगी, किसी पर्सन की अगर कौन सेल डैमेज हो चुकी है, तभी वो अंधापन उसके शरीर के अंदर आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, डीएनए कॉन्टेंट्स, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर आपको देखने को मिलती है, हेक्सोस, राइबोस, फ्रक्टोस, या फिर ग्लूकोस। चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मोनिका राजपूत, बहुत सही, क्या बात है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59, हेक्सोस, राइबोस, फ्रक्टोस, या फिर ग्लूकोस। चलिए बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हुए महक सिंह, क्या बात है, ग्लूकोज के साथ जाते हुए महक, बहुत को सॉरी। देखो
एक चीज ध्यान में रखिएगा, या तो आपके डीएनए की बात हो या फिर आपके आरएनए की बात हो। अगर डीएनए और आरएनए की बात कभी भी होती है, चलेगा अभिषेक यादव जी बहुत सही, डीएनए और आरएनए की अगर कभी भी बात होती है तो डीएनए और आरएनए के अंदर आपको किस तरह की शुगर देखने को मिलती है, तो इसके अंतर्गत ना बेसिकली आपको ना पेंटो शुगर देखने को मिलती है, ठीक है। और पेंटो शुगर का मतलब क्या है, जिसके अंदर कार्बन के 5 मॉलिक्यूल हो, और कार्बन के अगर 5 मॉलिक्यूल है तो यानी कि कौन सी शुगर होती है, पेंटोस का एग्जांपल होता है राइबोस शुगर, दैट इज द राइबोस शुगर। योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, गॉट इट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है, कौन ऐसा वाहक है जो कि स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी को फैलाता है। बहुत खूब, बहुत खूब आदित्य जी, बहुत खूब, क्या बात है, वेल डन। चलिए वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, वेक्टर कौन है, कौन फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस को, ये सिंपली आपको यहां पर बताना है। तो कौन फैलाता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, दैट इज थ्रू द सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी जो होती है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन योर स्क्रीन। कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, आपने देखा होगा जो खाने वाले कैप्सूल होते हैं, जो दवाई वाले कैप्सूल्स होते हैं, उन कैप्सूल्स के ऊपर जो कोटिंग होती है वो कोटिंग किस चीज की होती है, होता है ना प्लास्टिक से का एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है जिसके अंदर पाउडर पाउडर दवाइयां भरी होती है, किस चीज से मिलकर के बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द स्टार्च, ऑब्वियसली ये बना होता है आपका स्टार्च से मिलकर के, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर है और बहुत ईजी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, अगर हम निकल के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा आयरन कोबाल्ट निकल, हिंट भी दे देती हूँ, आयरन कोबाल्ट निकल, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वेरी 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 इजी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल की अगर हम बात करते हैं, देखो भाई आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 और निकल का कितना हो गया, 28 हो गया, तो कितना है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डी 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 के साथ जाने वाले, बिल्कुल सही। अभिषेक यादव बिल्कुल गलत जा रहे हो, यादव जी बिल्कुल गलत जा रहे हो, यादव सरकार को डुबा रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर इज, जिस शुगर को हम लोग खाते हैं, जिस चीनी को हम लोग खाते हैं, उस चीनी का आपको क्या बताना है, उस चीनी का आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बताना है। चलिए व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट शुगर, चलिए बताइएगा। C12H22O11, C12H22O9, C11H22O11, या फिर C12H22O22, व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा, ये सिंपली आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं, देखो C6H12O6, ठीक है, ये था नॉर्मली, तब दो बोन बनते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से एक खत्म हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, C12H22O11, ठीक है भाई, वैलेंसी कंप्लीट होती है और C12H22O11 दैट इज द कॉमन शुगर, जिस शुगर को हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसको टेबल शुगर कहा जाता है या फिर शुगर केन शुगर कहा जाता है ना, केन शुगर के नाम से जानते हैं, केन शुगर की बात करें या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही आपका टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज डेथ, आपको बताना है कितना परसेंट अल्कोहल अगर कोई इंसान पी ले तो
इंसान की मृत्यु तय है। अगर आपके ब्लड में कितनी परसेंट होनी चाहिए अल्कोहल की, अगर आपके ब्लड के अंदर अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाए, चलिए बताइएगा, लगभग 5% के आसपास, 5%। अगर 5% अल्कोहल का अमाउंट हमारे ब्लड के अंतर्गत 5% के आसपास बढ़ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंतर्गत घट करती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस की बात करते हैं, धीरे 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 हमारी बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? आपको बताना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सी लाइट है जो कि सबसे कम इफेक्टिव होती है, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट या फिर रेड लाइट या फिर सनलाइट, यानी कि सबसे कम फोटोसिंथेसिस जो चलेगा वो किस प्रक्रिया के अंदर चलता है, ब्लू लाइट के अंदर, ग्रीन के अंदर, रेड के अंदर या फिर सनलाइट के अंदर, चलिए बताइएगा, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट या फिर सनलाइट। सो ऑब्वियसली से बात है लीस्ट इफेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है, कौन सा संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है, तो वो होती है भाई ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट में सबसे कम, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो चलता है भाई व्हाइट लाइट के अंदर या फिर सनलाइट के अंतर्गत, या तो सनलाइट, और जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है भाई, सनलाइट होती है आपकी व्हाइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाइट के बाद, जैसे ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, है ना, ये धीरे 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 धीरे, तो सबसे कम ना ग्रीन कलर के अंतर्गत, जो ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है, हरे रंग के अंतर्गत सबसे कम होता है। और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी आपको बताना है, 2 होती है कि 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है, चलिए बताइएगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें, इसमें फॉस्फोरस की आपको बतानी है, 2, 3, 4, 5, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कौन देने वाला है, चलेगा मैम रेड में नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, पीडीएफ कहां से मिलेगा, ठीक है संजय एडी, जो सेशन का पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल साइंस विद नीतू ढाका पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस विद नीतू ढाका, उस पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है भाई चलेगा। बी के साथ जाते हुए क्या बात है आदित्य जी, बिल्कुल सी के साथ जाते हुए। ऑर्थोपोडिक्स के अंतर्गत अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी कितनी होती है किसी भी एसिड की, तो हाईली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो पीएच मान होता है वो 3 के आसपास होता है, 3 से कम होता है कि नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें तो सभी के सभी प्रबल अम्ल का जो आपका बेसिकली बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 3 के आसपास होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं और आपका आंसर क्या होगा, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आपको बताना है इनमें से कौन सा हैलोजन ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाई जाती है, आयोडीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपकी बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 67 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, ऑब्वियसली से बात है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आपको जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही होगा, डी डी के साथ जाते हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अच्छा आदित्य, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और एक्चुअल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज से मिलकर के बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, सेलुलोज से ये मिलकर के बना हुआ होता है। चलिए सो दैट विल बी द क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है भाई।
आयोडीन की बात करें, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमाइड की बात करते, सिंपली बात करते फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी, आयोडीन की, सबसे कम फ्लोरीन की, है ना। सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी क्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, डन। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 एंड क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑन योर स्क्रीन। आदित्य कुमार कह रहे हैं सेलुलोज किस चीज का बना होता है, बेटा सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द छोटी 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 यूनिट्स, आप कह सकते हो ग्लाइकोजन से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन से, ग्लूकोज से, स्टार्च से मिलकर के बना हुआ होता है। चलो कॉन्टेक्ट प्रोसेस द गैस प्रोड्यूस इज, इन विच कॉन्टेक्ट प्रोसेस द गैस प्रोड्यूस इज, अच्छा इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, अच्छा कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंतर्गत किस गैस का प्रोडक्शन होता है ये आपको बताना है। अगर कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात की जाती है तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंतर्गत किस गैस का प्रोडक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड या फिर एमोनिया, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा आपका, दैट विल बी द सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के अंतर्गत जो गैस आपके रिलीज होती है, यहां से जो गैस बाहर निकलती है वो बनती है सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है भाई, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, अगर हम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी की बात करें तो जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिकुलर स्टेट, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री वैलेंसीज, फिजिकल स्टेट या फिर अमाउंट यूज्ड, ठीक है, कितने अमाउंट में कैटलाइज्ड यूज किया गया है उस पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट पर डिपेंड करती है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी। देखो कोई भी कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम किसी ना किसी उत्प्रेरक की बात कर रहे होंगे, तो जितने भी कैटलिस्ट या फिर जितने भी उत्प्रेरक हमारे आसपास देखने को मिलते हैं सबके सबकी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, गेटिंग माय पॉइंट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस बिकम, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। अगर आप किसी मेटेलिक बॉडी को लेते हैं और उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, या फिर मे इंक्रीज मे डिक्रीज, कभी बढ़ता है कभी घटता है, या फिर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कॉन्स्टेंट चलता है। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, आप किसी धातु को गर्म कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, चलेगा, ठीक है, बहुत सही आदित्य, बिल्कुल सही लिखे आपने सीक्वेंस, दैट विल बी द डिक्रीज, क्या करेगी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, है ना, सोच लो थोड़ा थोड़ा सा सोच के बताओ। जैसे जैसे आप किसी भी मेटेलिक बॉडी को गर्म करती हूँ, है ना, तो जैसे आपने उसको हीट किया गया कि लोहा पिघलना शुरू हो गया, गर्म करने से क्या होता है लोहा जो है आपका पिघलना शुरू हो जाता है, और तब लोहा जो है आपका पिघलना शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका बढ़ता है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा आपका बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाओगे वैसे ही क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर हीटिंग मटेरियल या फिर हीटिंग मेटल आपसे पूछा जाए तो वहां पर जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ।
द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री. दो समतल दर्पण के बीच में एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है. देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी, कितनी इमेज बनेगी 60 डिग्री के एंगल पे, इनफिनाइट, 7, 6 या फिर 5, कितनी बनेगी. हमेशा 5 बनते, तभी भी दो में आपका, देखो ध्यान में रखिएगा हमेशा, जितने भी अगर दो मिरर लगाए हैं तो कितनी होगी, 5 बनेगी. अगर अगर आपके 4 मिरर बना दिए तो कितनी बनेगी आपकी, आप बता सकते हैं 7 बनेगी. इस तरीके से आपके सीक्वेंस चलती है. अगर यहाँ पे 6 लगा दिए तो 6 में कितनी बनेगी आपके, सिंपली 6 में आपकी 9 बन जाएगी. इस तरीके से आपके सीक्वेंस में जो इमेजेस है बनती चली जाती है. डन, एक के लिए तो एक ही बनेगी. चल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एंड द क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. 0.05 सेकेंड जो टाइम पीरियड होता है किसी वेव के लिए, वो कौन सी वेव होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव होती है. ये आपको बताना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स. चलिए भाई जल्दी से बताइएगा, व्हाट विल बी योर राइट आंसर. आपका सही आंसर यहां पर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम जो 20 हर्ट्ज की होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो 20 हर्ट्ज इज द, कहीं ना कहीं इसको आपके शून्य ध्वनि के अंतर्गत या फिर ऑडिबल रेंज के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है 20 हर्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो. 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो तब कानों पे पड़ती है 0.05 सेकेंड के समय तक, ठीक है. ये क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की अगर हम बात करें. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की तरफ, थर्मोफ्लेस्क प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय. चलिए जो थर्मोफ्लास्क होते हैं, थर्मोफ्लास्क की अगर हम बात करते हैं, दे प्रिवेंट हीट लॉस बाय, वो क्या करते हैं, हीट के नुकसान से बचाते हैं, गर्मी का इतना जल्दी नुकसान नहीं करते. तो कैसे बचा पाते हैं, रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर ऑल ऑफ द थ्री, सभी के सभी प्रोसेस के थ्रू वो हीट को कंजर्व कर सकते हैं. चलिए भाई, फ्लास्क प्रिवेंट द हीट लॉस बाय, अगर आपसे किसी फ्लास्क से हीट को बचाना है, हीट को लॉस नहीं होने देना, तो वहां पर रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन तीनों के तीनों प्रोसेस ऐसे होंगे जो कि हीट को बचाने का काम करेंगे, हीट को कंजर्व करने का काम कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है भाई. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द लॉ दैट डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया इज, आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताना है जो फोर्स और इनर्शिया दोनों को डिफाइन करता है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर नन ऑफ द अबव. फोर्स को भी और इनर्शिया को भी, यानी कि इनर्शिया ऑफ लॉ की बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन जो होती है दोनों के अंदर आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, ये आपका इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया देता है, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. सबसे पहले तो हमें दो ही देखने हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें और दूसरा आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन कहते क्या है, देखिएगा, अगर कभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात की जाए, मींस इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा तब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें और उसको आप एक मूवमेंट में ना लेकर के जाए. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में ही रहती रहेगी, तब तक मोशन में ही रहती रहेगी तब तक उसे कहीं एक ऑब्स्टेकल ना मिले, कहीं पर एक रुकावट ना मिले, तो वो तब तक, अदरवाइज वो निरंतरित रूप से चलती रहती है और पृथ्वी गोल है और हम पृथ्वी पर गोल 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 घूमते रहते हैं, ठीक है. अगर ऐसा कुछ ना होता तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, वो मजाक की बात थी. बढ़ेंगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन. Inertia of a body in linear momentum is measured its
Inertia of a body in linear moment, linear motion is measured by its. रैखिक गति में एक शारीरिक की जड़ता अपने द्वारा मापी जाती है. चलिए ये आपको बताना है. इनर्शिया ऑफ बॉडी इन अ लीनियर मोमेंटम, अगर हम रैखिक की गतियों की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो इनर्शिया ऑफ बॉडी को अगर आपको मेजर करना है तो किसके द्वारा आप इसको मेजर करोगे, ये सिंपली आपको बताना है. तो आप किसके, मास के द्वारा. ठीक है, इनर्शिया ऑफ बॉडी को लीनियर मोमेंटम में कभी भी अगर हम इनर्शिया ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है That should be measured by the mass, atomic mass की अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान के आधार पर आप उसको मेजर कर सकते हैं. So what will be right answer? Option number C will be the right answer. That will be the mass, यानी कि अगर हम द्रव्यमान की बात करें. Got it? चल. पढ़ेंगे next question, question number 76 की तरफ. The function of mud guard is based on. अगर हम mud guard की बात करें तो mud guard का function क्या होता है? मड गार्ड का फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मड गार्ड? चलिए जल्दी से बताइएगा. मैम इंग्लिश भी पढ़ लो. अच्छा इंग्लिश भी पढ़ ले वो हिंदी में. अच्छा मनीष कह रहे मैम हिंदी में थोड़ा और बोलें. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हिंदी में भी बोल लेते. वैसे सेशन तो आपका बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलता है. ऐसे तो मैं नहीं करती, हमेशा सेशन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है. ठीक है चलेगा, बताइएगा. द फंक्शन ऑफ मड गार्ड, मड गार्ड का फंक्शन क्या होता है? गाड़ी में देखिए ना आपके मड गार्ड लगे होते हैं कीचड़ से बचाने के लिए, उनका काम क्या होता है मड गार्ड की अगर हम बात करें? चलिए जल्दी से बताइएगा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, किस पर काम करता है मडगार्ड जो होता है? ये सिंपली आपको बताना है. चलिए जल्दी से बताइएगा. अगर हम मडगार्ड की बात करें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. हमेशा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है अगर हम मड गार्ड्स की बात करते हैं ना. किस दिशा से आपकी टायर किस दिशा में घूमेगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा और किस तरफ से कीचड़ आएगा, किस तरफ से टायर उस कीचड़ को बाहर फेंकेगा और किस डायरेक्शन से उसको अंदर फेंकेगा. तो मड गार्ड का काम होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. वो डायरेक्शन बताता है, दिशा को दर्शाता है. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछ दिया गया. मैम मड गार्ड क्या होता है? संजय एडी गाड़ियों के पीछे नहीं देखा आपने, काले काले रंग के गार्ड्स, गार्ड लगे होते हैं जो कि गाड़ी को कीचड़ में धंसने से बचाते हैं, कीचड़ चिपकने से बचाते हैं, टायर पे इंजन पे कीचड़ को चिपकने से बचाते हैं, उनसे हम लोग मड गार्ड कहते हैं. आपने टायरों पे देखा होगा, टायरों के पीछे ऐसे लटकते रहते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो भी क्या होते हैं मड गार्ड होते हैं. चलिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 6, ठीक है 2 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा O2 नेगेटिव. जैसे स्टेबल बनेगी O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव बनने के बाद ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ आपका गैस, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ही आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड बना सकता है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ट्रांसपीरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन. इनमें से कौन सी एक ऐसी संरचना है जो कि ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन के लिए जानी जाती है? यानी कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट जहां से ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन पॉसिबल है, ऐसे पार्ट के बारे में सिंपली आपको यहाँ पर बताना है. मिस्टर आदि रोए ऑप्शन नंबर ए के साथ बी सी ए बी सी डी बचाए, डीवी लगा दो है कि नहीं? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा. यानी कि रंध्र जो होते हैं, रंध्र छोटे 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 जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग रंध्र कहते हैं. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ. द सोइल वाटर दैट इज रेडियली अवेलेबल टू प्लांट रूट इज.
The soil water that is readily available to plant root is, मिट्टी के पानी में जो पौधे की जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध है. ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर बॉन्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं. चलिए बताइएगा. मिट्टी के पानी में सोयल वाटर दैट इज रेडिलिटी अवेलेबल फॉर द राउंड प्लांट रूट. देखो पादप है, ठीक है, जड़े हैं. तो जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, भूमिगत पौधा, उसको कहा जाता है आपका कैपिलरी वाटर. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिलरी वाटर. इसको क्या कहा जाता है, इसको ना सीधा सीधा आपका कैपिलरी वाटर कहा जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मूल रेशे होते हैं, मूल रेशो के अंतर्गत तो जो पानी जाता है वो केशिका की कोशिका, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो आपका कोशिका नली के थ्रू जाता है, जो कि कैपिलरी वाटर जिसको कहा जाता है, केशनली जल के नाम से जिसको आपका जाना जाता है. चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 एंड द क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑन योर स्क्रीन. अदर नेम ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है. विटामिन ई, थायमिन, थियामिन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरोल या फिर नन ऑफ द अबव. नहीं, कैपिलरी चलेगा. बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 80 जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है. अदर नेम ऑफ विटामिन ई इज, बताइए भाई. थियामिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरोल या फिर नन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज टोकोफेरोल. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. अनुराग बिल्कुल सही जाते हुए. देखो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल. थियामिन किसका है, विटामिन B1 का. राइबोफ्लेविन किसका है, B2 का, ठीक है. और टोकोफेरोल किसका हो, विटामिन ए का, ठीक है भाई. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 की तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑन योर स्क्रीन. चलिए भाई संजय कह रहे हैं आज क्लास कितने बजे तक चलेगा. संजय हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और 100 क्वेश्चन तक क्लास जो है आपका चलेगा. 100 क्वेश्चंस तक, 20 क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे उसके बाद सेशन एंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. आपको बतानी है इनमें से कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई आयाम नहीं होता है. स्ट्रेन, तनाव के अंदर या फिर रिलेटिव डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर एंगल. किसके अंतर्गत, तनाव की अगर हम बात करते हैं, तनाव आपको देखने को नहीं मिलता है ना, तनाव की बात हो रही है क्योंकि स्ट्रेस की बात हो रही है. अच्छा चलो बता दो. चलिए वॉट विल बी योर राइट आंसर. Which one of the following is not a dimensionless quantity? आपको dimensionless quantity के बारे में बताना है, जिसके अपने खुद का कोई dimension नहीं होता है. चलिए भाई ये simply आपको बताना है. Question number 81. So that will be the frequency. Frequency की कोई dimensions नहीं होती है, ठीक है. It does not have MLT. It does not have MLT. ठीक है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी की बात होती है. ना आपको मास होगा, ना आपके पास लेंथ होगा, ना आपके पास टाइम होगा. लेकिन ये टाइम हो सकता है, बट मास और लेंथ यानी कि डज नॉट हैव डाइमेंशंस, इसके आपके पास डाइमेंशंस नहीं होती है. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ. एंड द क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑन योर स्क्रीन. एंजाइम इज अ, एंजाइम क्या होता है, एक वाइटामिन होता है, बैक्टीरिया होता है, बायो कैटलिस्ट होता है या फिर एक वायरस होता है. अगर हम एंजाइम की बात करते हैं किसका काम करता है एंजाइम, ये आपको सिंपली यहाँ पर बताना है. चलिए व्हाट इज एंजाइम. चलो कौन बताने वाला है, डी 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 के साथ जाते हुए, डी के साथ जाते हुए. तनु प्रिया हमारी डी के साथ जाते हुए, अरे गलत जा रहे हो तनु. संजय एडे सी के साथ जाते हुए. देखो एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट. क्या है, एक बायो कैटलिस्ट होता है एंजाइम. कभी वायरस होता है, वायरस को ना एंटीजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एंटीजन. एंजाइम जो होता है दैट इज बायो कैटलिस्ट. ये क्या होता है, एक जैव उत्प्रेरक होता है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई.
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा, दैट विल बी द बायो कैटलिस्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83। यहाँ पर चिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, काइरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो काइरोलॉजी होती है, काइरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? हाथ के अध्ययन को, फीट के अध्ययन को, कॉमेट्स के अध्ययन को, या फिर स्कल के अध्ययन को, किसके अध्ययन को आपका चिरोलॉजी के नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा ये जल्दी से बताइएगा। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए, किसके अध्ययन को आपका काइरोलॉजी कहा जाता है, या फिर चिरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, चिरोलॉजी। चलिए बताइएगा, आप हाथों का अध्ययन कर रहे हो यानी कि बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, आप पैरों का अध्ययन कर रहे हो, आप किसका, कॉमेट्स का अध्ययन कर रहे हो, धूम केतु का अध्ययन कर रहे हो, तो भाई हाथों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाथों के अध्ययन को कहा जाता है चिरोलॉजी, है ना। आपके हाथ हैं, बड़े सुंदर से हाथ है, चिरोलॉजी, काइरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा बताइएगा, पैरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉमेट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्कल के अध्ययन को क्या कहते हैं, बता सकते हो? चलो तीनों आप लोग बताओगे, ये तीनों आप लोगों के लिए है। वीडियो के सेक्शन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पैरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कमेंट्स के अध्ययन को क्या, पैरों के अध्ययन को और हाथों के अध्ययन को सेम चीज, सेम ही वर्ड होगा, सेम टर्म यूज होगी या फिर अलग अलग होगी, और क्या कहा जाता है, ये आप सभी के सभी बच्चे जो है बताने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की तरफ। द बॉल पॉइंट पेन इज इन्वेंटेड बाय, अगर हम बॉल पॉइंट पेन की बात करते हैं ना, जिससे काम हमारे बड़े होते हैं, वो जो है किसके द्वारा खोजा गया था? बॉल पॉइंट पेन की अगर हम बात करते हैं, वाटरमैन, ऑस्कर विल्सन या फिर लेज़लो? 84 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। बॉल पॉइंट पेन इज इन्वेंटेड बाय, चले बताइएगा, ऑब्वियसली दैट इज बाय द लेज़लो बिडो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द लेज़लो बिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। एल्वियोलीज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गन, आपको एक ऐसे अंग के बारे में बताना है किस ऑर्गन के अंतर्गत एल्वियोलीज यानी कि कुपिकाएं पाई जाती है, छोटे छोटे अंगूर की तरह के स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं। ठीक है भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। डन, चलेगा भाई, इज इट ओके? सो कुपिकाएं कहां पर पाई जाती है ये आपको सिंपली बताना है। ठीक है, कुपिका की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी द एल्वियोलीज, कहां पर पाई जाती है? लंग्स के अंतर्गत, फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सो व्हाट विल बी राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। डन, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए बताइएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सिंपल Al2SO4O3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, SO4 पे क्या जाता है आपको पता है, Al के ऊपर हमेशा पॉजिटिव 3 चार्ज और SO4 के ऊपर हमेशा नेगेटिव 2 चार्ज, तो दोनों का इंटरचेंज होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, गॉट इट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की तरफ, एंड 87 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 87 इज ऑन योर स्क्रीन, एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज, गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है ये सिंपली आपको यहां पर बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज?
प्रणीत संजय क्या बात है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 87। एंड क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो बताइएगा। सो दैट विल बी द प्रोटीन पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग बिल्कुल सही बात है। गॉल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, दैट विल बी द प्रोटीन पैकेजिंग। बिल्कुल नेचर इज नेचर, बिल्कुल सही जाते हुए ऑप्शन नंबर डी के साथ, एंड द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो गॉल्गी बॉडीज होती है इनका बेसिकली काम होता है प्रोटीन पैकेजिंग का, प्रोटीन को बांधने का काम ये करती है। ठीक है भाई, शरीर के साथ, बॉडी ऑर्गेनेल के साथ प्रोटीन को बांधे रखने का काम कहीं ना कहीं ये करती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। विच ऑर्गेनली इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली एक कंट्रोल सेंटर के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द ऑर्गेनिज नोन एज द कंट्रोल सेंटर, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कंट्रोल सेंटर के नाम से किस ऑर्गन को आपका जाना जाता है। चलिए बताइएगा, फिर पूरी की पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा होगा, पूरी की पूरी बॉडी को जो नियंत्रित कर रहा होगा, कौन होगा। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म, की सेल मेम्ब्रेन, की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला। पूरी की पूरी बॉडी को 88 का ए बिल्कुल सही, नेचर इज नेचर बिल्कुल सही जाते हुए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द न्यूक्लियस। आपको पता है ये जो न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसका काम क्या होता है, सिंपली चलेगा। ठीक है, इसका काम होता है पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करना, पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम होता है। सेल को कंट्रोल करता है तो इसको क्या कहा जाता है भाई, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। ठीक है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कि नहीं, हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है। अगर हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ सेल, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, एक मैनेजर होता है। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के अलावा इसको आपका मैनेजर भी कहा जाता है, मैनेजर ऑफ अ सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पूरी कोशिका को मैनेज करने वाला, पूरी की पूरी बॉडी को मैनेज करने वाला, इज इट ओके। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, चलेगा फटाफट से बताइएगा। चलो डन। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली ऑफ अ सेल इज इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, ये आपको बताना है। चलिए भाई, चलिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं, चलेगा। सो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, दैट इज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द क्लोरोप्लास्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑन योर स्क्रीन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 90 है, ये है आप लोगों के स्क्रीन पर। वेयर डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। अगर हम किसी भी सेल की बात करें, किसी भी कोशिका की बात करें, किसी भी कोशिका के कौन से सेल ऑर्गेनेली के अंतर्गत आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है, तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये चलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है,
श्वसन की प्रक्रिया की बात हो रही है, और श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन होता है। तो ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये सारे के सारा जो पूरा की पूरी प्रक्रिया है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन, ये चलता कहां पर है, ये चलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। चलिए बहुत सही हर्षिता, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइन। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, मैम्ब्रेन बाउंड बाई ऑर्गेनली। अगर हम बात करते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनली होती है वो चारों तरफ से आपके मैम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत न्यूक्लियोलियस नहीं पाया जाता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत इनमें से कोई भी नहीं होता है। दिनेश कुमार तिवारी जी बिल्कुल सही जाते हुए सबसे फास्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। ना सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड विद द सेल ऑर्गेनली, ना न्यूक्लियोलियस मिलता है, ना ही इसके अंतर्गत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जिसको हम लोग केंद्रिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, केंद्रिका झिल्ली भी इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 92 इज ऑन योर स्क्रीन। ब्लड प्लाज्मा विद विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज कॉल्ड एज सीरम। चलिए भाई, ब्लड प्लाज्मा से आप किसको बाहर निकाल दो, तो हम ब्लड प्लाज्मा को आपका सिंपली सीरम कह देंगे। ये आपको बताना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या है, चलिए बताइए, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन या फिर कोलेजन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट विल बी योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 92। So that will be the fibrinogen. अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो that will be the fibrinogen. और ऑप्शन नंबर सी will be the right answer. अगर आप ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को निकाल दो तो उसी ब्लड प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ब्लड प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहना शुरू कर देंगे। चलिए, यानी कि कहने का मतलब है सीरम के अंतर्गत आपका फाइब्रिनोजिन नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड। चलिए ठीक है भाई, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। चलिए बताइएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज, दैट विल बी द सुक्रोज। तो सुक्रोज होती है, ये कैसी है, दिस इज द डाइसेकेराइड है कि नहीं, सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं कैसी होती है आपकी, डाइसेकेराइड होती है सुक्रोज, है कि नहीं, तो बात करेंगे। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तीनों के तीनों आपके मोनोसेकेराइड है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, ये आपको बताना है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है भाई, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन, इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, ये सिंपली आपको बताना है। तो भाई इनमें से तीनों के तीनों एंजाइम है। ऑक्सीटोसिन जो है, इट इज अ हार्मोन। ये क्या है, ये एक हार्मोन होता है, इट इज अ हार्मोन, ये आपका एक हार्मोन है। ठीक है भाई, और इसी को हम लोग किस हार्मोन से नाम जानते हैं, इट इज नोन एज द लव हार्मोन। चलेगा भाई, So, ये इसको हम लोग जानते हैं लव हार्मोन के नाम से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये सिंपली आपको बताना है। ठीक है भाई, फटाफट से बता दो किसको कहा जाता है। चलो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नॉन एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। सो हु इज नॉन एस द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, कार्ल लिनियस या फिर चार्ल्स डार्विन। तो ये कहा जाता है ल्यूवेन हुक, क्योंकि इन्हीं ने ही छोटी छोटी सेल्स के बारे में हमें बताया था।
जहां से लिविंग सेल जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला था। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटोन वेन लीवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्चर कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग। हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स है ये किस तरीके का एक मेथड है, इस कल्चर के अंतर्गत प्लांट जो है किसको यूज में लेकर के उगाए जाते हैं ये आपको बताना है। अच्छा, विदाउट यूजिंग, किसको यूज में नहीं लेके, ना किसको यूज में नहीं लिया जाता, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वॉटर, लाइट, सैंड या फिर सॉयल, किसको आपका यूज में यहाँ पर नहीं लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें। सो दैट विल बी द सोयल। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत क्या होता है, पानी की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, बट सोयल की जरूरत नहीं होती है। रेत भी ले लिया जाता है, रेत भी, बट सोयल की जरूरत नहीं होती है। सर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहां तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल सही बात है बनवा जी, बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस, बनाओ बहुत खूब। 96 की तरफ मूव ऑन करेंगे। फ्लावर्स इमिट्स फ्रेग्रेंस टू, फ्लावर जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं, अच्छे से खुशबू छोड़ते हैं, किस लिए, टू प्योरिफाई द एयर, ड्राइव अवे फ्लाइज, मक्खियों को दूर भगाने के लिए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, परफॉर्म ऑल द अबव, इन सभी काम को पूरा करने के लिए। भाई व्हाट विल बी योर राइट आंसर, चलेगा। मेन कारण क्या होता है, जो फ्लावर से एक अच्छे से खुशबू आती है वो किस कारण से आती है, ये रीजन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन होगा जिस कारण से फ्लावर से एक अच्छी सी स्मेल आती है, खुशबू से आती है। चलो भाई, सो दैट विल बी द टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। चलिए बनाओ, क्या बात है, बहुत सही, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, ये अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की तरफ मूव ऑन करेंगे। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज, देखो अगर आपको किसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको किस किस प्रोडक्ट की जरूरत बनेगी। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने HCl लिया, किसके साथ मिला दिया, NaOH के साथ मिला दिया, तो HCl ने NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया, NaOH ने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके रिलीज हो जाते हैं, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। NaCl क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम लोग आमतौर पर घरों में यूज में लेते हैं। तो भाई सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दोनों के दोनों आपके बाहर निकल गए, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है भाई, चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 99 इज ऑन योर स्क्रीन। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीएनजी, सीएनजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं, सीएनजी के मुख्य घटक मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, चलिए बताइएगा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, अगर आपसे सीएनजी का मेन कंपोनेंट पूछ लिया जाए, सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको बताए ऑब्वियसली दैट इज द मीथेन। सीएनजी के अंतर्गत सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है मीथेन होता है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, जैसे ही एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है वैसे यहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी अगर आप सीएनजी पंप पे गाड़ी में सीएनजी रिफिल कराने जाते हो तो कह देते कि आप गाड़ी से बाहर निकल के दूर खड़े हो जाओ, क्यों, रीजन यही होता है कि सीएनजी रिफिलिंग के टाइम पे हो सकता है बाई चांस अगर सीएनजी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गई, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गई, हवा के संपर्क में आ गई, तो भाई वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, धमाका हो सकता है, इसीलिए कहते हैं भैया जान प्यारी है दूर रहो। चलिए, एंड नाउ दिस इज द 100th क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन, ये जो क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा, चलेगा फटाफट से आंसर करेगा। विच इज ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट इन द हैवी मशीन, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसको हम लोग हैवी मशीन के अंतर्गत एज अ लुब्रिकेंट यूज में लेते हैं, चारकोल, ग्रेफाइट, एक्टिव कार्बन या फिर मोबाइल ऑयल, चलिए भाई जल्दी से बताइएगा। चारकोल, ग्रेफाइट, एक्टिव कार्बन या फिर मोबाइल ऑयल, किसको यूज में लिया जाता है ये सिंपली आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, किसको यूज में लिया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के तौर पे हम लोग मोबाइल ऑयल का यूज करते हैं या ग्रेफाइट का, चलिए मोबाइल ऑयल का यूज किया जाता है कि नहीं, मोबाइल ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। भैया जितनी भी हैवी मशीन्स होती है, जैसे
हैवी मशीन्स इन द सेंस न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत किसको यूज में लिया जाता है, आपका ग्रेफाइट को, और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो चलेगा भाई, ये जो मैराथन सीरीज थी आपकी 100 क्वेश्चंस की, कल हम लोगों ने इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, पार्ट वन और पार्ट टू, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 100 क्वेश्चन, कल नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कल एक ही क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करते, कल नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब आप बताइए आज के जो 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर हम 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं आज के सेशन में, जो 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन 50 क्वेश्चंस में, ये आपको बताना है। चलिए भाई, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो, फटाफट से जल्दी से बता दीजिएगा। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करते, आपको पता है अनअकैडमी पर सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर अनअकैडमी का, फीचर नहीं इन द सेंस, हर संडे अनअकैडमी पर आपका कंडक्ट कराया जाता है एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है भाई। अनअकैडमी पर एक एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहां पे आपको कोई फी या फिर कोई भी पेमेंट आप लोगों को नहीं देनी होती, ठीक है भाई, ना कोई फी देनी है ना कोई पेमेंट देनी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई क्यों आप देरी करते हो, क्यों आप टेस्ट नहीं देते, तो हर संडे अपने आप को इस टेस्ट के लिए जरूर से जरूर रजिस्टर किया करें, ठीक है भाई। एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे होता है, जिसमें कुछ नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको 50 मिनट दी जाती है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक इनवाइट कोड आपसे मांगा जाएगा, तो एनडी लाइव इनवाइट कोड लगाइएगा और जाकर के अभी नेक्स्ट इस संडे के लिए, आने वाले संडे के लिए आप फटाफट से जाकर के चलेगा। क्वेश्चन अच्छा था अनुराग, क्वेश्चन हमेशा अच्छा होता है कि नहीं, चलेगा। अब हम टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम के लिंक नहीं मिल पाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप जरूर मिलेगा, तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज बाय द साइंस विद नीतू ढाका। सो माय नेम इज नीतू ढाका, नीतू ढाका से आप लोगों सर्च करोगे तो साइंस विद नीतू ढाका अगर आप सर्च करोगे तो ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, जिस टेलीग्राम ग्रुप से आपको सभी के सभी क्लासेस की पीडीएफ और टाइमली आपको अपडेट मिलती रहती है, क्लास कब होगी और किस टाइम पे आपकी पीडीएफ जो है अपलोड हो जाती है, ठीक है भाई, चलेगा। इसके अलावा आपको पता है कुछ कुछ बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पर शुरू हो चुके हैं, या फिर 27 से कुछ कुछ बैचेस जो है आपके शुरू हुए थे, तो सभी के सभी बैचेस में आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, और एनरोल करने के साथ साथ आपको क्या करना है, इन बैचेस में अपने आपको एनरोल करना है, और साथ साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा। सो चलिएगा, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।